नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक और एक ग्यारह में आपका स्वागत। आपके घर शादी ब्याह हो और आपको कैश ना मिले तो क्या होगा? आपके अकाउंट में पैसे हो लेकिन आपकी कैश से खाली हो तो आप क्या करेंगे? देश के कई शहरों में इस समय कैश की मारामारी है। तो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। एक और एक ग्यारह में आपको कठुआ भी ले चलेंगे, जहां 8 साल की बच्ची के साथ रेप पर सियासत की जा रही। महबूबा सरकार में मंत्री रहे लाल सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बात चांद तारे वाले झंडे के विरोध की भी करेंगे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। हम एक और एक ग्यारह में नेहा, और हम हाजिर हैं फिर से। जिस चांद तारे वाले हरे झंडे को इस्लाम का प्रतीक माना जाता है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हो गई है। ये याचिका शिया यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने दायर की है। रिजवी चाहते हैं कि चांद तारे वाले हरे झंडे को फहराने पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। आपको ये भी बता दें कि वसीम रिजवी चांद तारे वाले हरे झंडे का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने रिजवी ने क्या दलीलें रखी हैं, इस पर गौर कीजिए। रिजवी का कहना है कि चांद तारे वाले हरे झंडे का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। रिजवी की दलील ये भी है कि चांद तारे वाला हरा झंडा मुस्लिम लीग का है, जो 1946 में खत्म हो गई। क्योंकि हरा झंडा मुस्लिम लीग का है, जिससे मिलता जुलता झंडा पाकिस्तान का है, इसलिए इसे फहराया नहीं जाना चाहिए। वसीम रिजवी मानते हैं कि हरा झंडा फहराने का मतलब है दुश्मन देश का झंडा फहराना, और ये राष्ट्रहित के खिलाफ है। वसीम रिजवी का ये भी तर्क है कि हरा झंडा फहराना संविधान, स्वतंत्रता और संप्रभुता का उल्लंघन है। वसीम रिजवी चांद तारे वाले हरे झंडे को इस्लाम से जोड़ने के खिलाफ हैं और इस पर पाबंदी चाहते हैं। तीन तलाक और हलाला के बाद ये एक और मुद्दा है जिस पर बवाल मचना अब तय है। 1906 में मुस्लिम लीग, गुलाम हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग ने इस फ्लैग को बनाया था, हरे रंग पर चांद तारा। ये इस्लामिक फ्लैग नहीं है। इस्लाम में इस तरह के फ्लैग की कोई मान्यता नहीं है, ना कहीं पे ये पता, कहीं पे हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री में भी कहीं पे भी इस फ्लैग का कोई जिक्र नहीं आया। ये एक पॉलिटिकल फ्लैग था जो गुलाम हिंदुस्तान में बनाया गया था 1906 में, जिन्हा और ये जो मुस्लिम लीग बनाई गई थी उसमें बना था। पाकिस्तान पार्टीशन के बाद में ये फ्लैग पाकिस्तान चला गया, इसमें वाइट पट्टी लगाकर इसको नेशनल फ्लैग कर दिया गया, और पाकिस्तान की जो कायदे आज़म मुस्लिम लीग है वो आज भी इसी फ्लैग का इस्तेमाल कर रही है, उनका पार्टी का यही फ्लैग है। मोहम्मद अली जिन्ना का जो फ्लैग था 1906 में, वो फ्लैग पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया। पाकिस्तान द्वारा अडॉप्ट किया हुआ मुस्लिम लीग फ्लैग एक वाइट पट्टी के साथ, ये जो कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का फ्लैग है, पाकिस्तान नेशन का फ्लैग हुआ, तो वह फ्लैग उस कंट्री का फ्लैग है जो भारत नहीं है। हमारे देश के अंतर्गत जो मुस्लिम लोग अगर कोई इस्लाम का झंडा लगाते हैं, स्वागत है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का फ्लैग अगर आप मस्जिदों पर लगाएंगे, अगर आप अपने घर के टॉप पर लगाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर लगाएंगे, किसी मदरसे पर लगाएंगे या किसी पब्लिक प्लेस पर लगाएंगे, खासतौर से तब जब अगर आप तिरंगे के साथ लगा दें, ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। तो सही रहा, आपको नोटबंदी के दौरान कैश संकट याद होगा, कुछ वैसी ही परिस्थिति एक बार बनती हुई दिखाई दे रही है। देश के कई शहर नकदी के संकट से जूझ रहे हैं। शादी ब्याह पर्व त्योहार का मौसम है लेकिन एटीएम खाली है, बैंक से भी कैश नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे नोटबंदी का वो दौर वापस लौट आया। धूप है, 15 मिनट से ढूंढ रहा हूँ, कोई एटीएम मुझे खाई नहीं मिला। मैं 4 ATM विजिट किया हूँ, किसी में कैश नहीं है। कैश सही नहीं है कहीं, एटीएम सब में पैसा नहीं। मारा वहाँ भी पैसा नहीं है। जिनके बच्चे बीमार हैं और पैसा लेने के लिए आए हैं लेकिन पैसा नहीं निकासी के कारण।
बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में एटीएम से नोट मिलने बंद हो गए हैं। लोग परेशान हाल में कतारों में खड़े दिख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कैश के बिना काम कैसे चलाया जाए। तो ये वाकई ताज्जुब की बात है, क्योंकि रिजर्व बैंक सरप्लस कैश फ्लो का दावा कर रहा है। यानी रिजर्व बैंक की अगर माने तो बाजार में भरपूर नकदी है। अगर ऐसा है तो नकदी की मारामारी क्यों है और कहां है? एटीएम मुंह बहाए हुए हैं, कहीं कैश नहीं कहीं मशीन ठप। जहां जाइए वहीं लंबी लंबी कतारें, हैरान परेशान लोगों के चेहरे। बैंकों और एटीएम के सामने लंबी लंबी लाइनें, ऐसा लग रहा है जैसे नोटबंदी के बाद वाला मौसम लौट आया हो। बिहार की राजधानी पटना में कैश को लेकर लोग परेशान होते दिखे। शहर के कई एटीएम बंद थे, कैश न होने की वजह से एक एटीएम से दूसरे एटीएम में दौड़ लगी थी। फिलहाल मैं चार एटीएम से घूम के आ रहा हूँ, पैसे कहीं नहीं मिल रहा। कहीं कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है मुझे, पेमेंट करने बंदे को अभी हमें धूप में 15 मिनट से ढूंढ रहा हूँ, तो एटीएम मुझे खाली नहीं मिल रहा। बैंक में जाइए तो वही बात है, आप जाइए एटीएम से निकालिए, ये सिस्टम है यहाँ का। चार पाँच एटीएम वहाँ था, उसमें कैसे एक भी नहीं था। पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर बेगूसराय में भी एटीएम खाली दिखे। लोग परेशान रहे, एक के बाद एक कई एटीएम का चक्कर लगाने के बावजूद कैश के दर्शन नहीं हुए। अभी मैं बलिया गया, वहाँ भी देखा नहीं है। उसके बाद पूरा यहाँ बेगूसराय पूरा छान मारा, वहाँ भी पैसा नहीं है। 2 घंटा से खड़े हैं यहाँ पर, जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं उसी से निकाल रहे, एटीएम सब में पैसा नहीं, स्टेशन से ले करके जो है यहाँ तक कोई एटीएम में पैसा नहीं है। बड़े नोटों की कमी के कारण एटीएम बेदम हो गए हैं। 2,000 और 500 रुपए के नोट डंप होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। कई बैंकों में 1 लाख की मांग करने पर 10-20 हजार रुपए देकर चलता किया जा रहा है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, बिहार में विगत कई दिनों से अधिकांश एटीएम बिल्कुल खाली है, लोगों के सामने गंभीर संकट है। लोगों का बैंकों में जमा अपना पैसा भी बैंक जरूरत के हिसाब से उन्हें नहीं दे रहे हैं। नोटबंदी घोटाले का असर इतना व्यापक है, बैंकों ने हाथ खड़े कर रखे हैं। नए नोट सर्कुलेशन से क्यों गायब है? हालांकि बैंक ने कमी दूर होने की बात कही है। बैंक ने माना है कि आरबीआई की तरफ से कैश मिलने में परेशानी आ रही थी। आरबीआई से जो कैश मिलना था वो उसमें कुछ मिलने में दिक्कत आ रही थी, और वो परसों हमारे पास कैश आ गया है। यानी जब तक आरबीआई से नोटों की सामान्य सप्लाई बहाल नहीं होती तब तक संकट जारी रहेगा। पर सवाल उठ रहा है कि आरबीआई ने आखिरकार नोटों का सर्कुलेशन क्यों रोका, क्यों बाजार से बड़े नोट गायब हो गए? आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि कैसे शहर शहर नकदी का कहर मचा हुआ है, इसीलिए हम आपको ये बेहद अहम खबर का पूरा अपडेट दिखा देते हैं। नकदी संकट से सबसे ज्यादा परेशानी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि पर्व त्योहार और शादियों के चलते नकदी संकट पैदा हुआ है। केंद्र सरकार ने नकदी संकट पर नजर रखने के लिए राज्यों में कमेटी बना दी है। 3 दिन के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्यों में नकदी भेजी जाएगी। जिन राज्यों में ज्यादा कैश है वहां से कैश संकट वाले राज्यों में नकदी भेजी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने नकदी संकट की गंभीरता को समझ लिया है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश में सरकार लग गई है। तो नकदी संकट पर सरकार एक्शन में भी है। वित्त राज्य मंत्री एसपी शुक्ला से हमने सरकार के एक्शन प्लान पर खास बातचीत की है। वित्त राज्य मंत्री का दावा है कि चिंता की कोई बात नहीं, 3 दिन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कुछ राज्यों में कैश की कमी हो गई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं एटीएम के बाहर। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी। शुक्ला जी, क्या वजह क्या है जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं कुछ राज्यों में, चाहे बिहार हो, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, नोटबंदी जैसे हालात आपको लग रहे हैं? नहीं, ये सारे राज्य ऐसे नहीं है जिसको आपने बताया। कुछ राज्यों में जरूर अधिक हो गया है और कुछ में कमी हो गया। तो शासन स्तर पर एक कमेटी बना दी गई है और रिजर्व बैंक भी अपना वो कर रहा है, ताकि रिजर्व बैंक के आर्डर के आधार पर ही, उसके आदेश से ही दूसरे प्रांतों में वो किया जा सकता है, तो उसको हम करने का प्रयत्न करें। वैसे हम आपको बता दें कि आज भी गवर्नमेंट ये रिजर्व बैंक के उस क्रंच में जो है 1,25,000 करोड़ रुपए हैं। इस तरह से पैसे की कोई कमी नहीं है,
थोड़ी सी डिस्पेरिटी हो गई है, उसी को हम ठीक कर रहे हैं। डिस्पेरिटी क्यों हुई, क्या वजह? कुछ राज्यों में ज्यादा चला गया, कुछ के पास है नहीं। कुछ राज्यों में ज्यादा चला गया और कुछ में तब तो उसको बिना रिजर्व बैंक की अनुमति से इधर उधर नहीं किया जा सकता है। तो रिजर्व बैंक से इस प्रकार बात हो गई है कि वो अपना करके हर जगह स्वयं वो रिजर्व बैंक के लोग ट्रांसफर करेंगे। लेकिन डिस्पेरिटी हुई क्यों, वजह क्या रही? एक के पास ज्यादा, एक के पास कम है, जिसकी वजह से ये हालात बन गए। अब हो गया तो अब उस पर तो कमेटी बना दिया है हम लोगों ने, वो अपना विचार करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कुछ लोगों ने जमाखोरी किया, इकट्ठा कर लिया पैसा, उस वजह से भी ऐसे हालात हो। अब हमने जो वो करना था, वास्तविक स्थिति वो आपसे बताया है। क्या आर्टिफिशियल ये क्राइसिस भी है, आपको लगता है कि जो हालात बने हैं नोटबंदी के दौरान भी कुछ लोगों ने जमा कर लिया था, उस वजह से भी आपको लगता है? अब वो कुछ लोगों ने जमा किया होगा, उनकी आदत रही होगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ना ध्यान देकर करके हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ है और ये भी ठीक है, हमें इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस नहीं होती है। दो तीन दिन की स्थिति है, उसको हम फुलफिलमेंट कर लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोपी घांगर हमारे संवाददाता इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ है। सबसे पहले रुक करेंगे रोहित का। रोहित, जमाखोरी का आरोप लगाया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, इस बात में कितना दम है? ये देखिए, आरोप कुछ भी लगाए जाए लेकिन समस्या है, लोगों को परेशानी हो रही है। अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें, पटना की अगर बात करें तो तकरीबन आधे से ज़्यादा एटीएम सेंटर्स पर जो है वो कैश की किल्लत पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार चली आ रही है। बोरिंग रोड इलाके में देखिए, ये IDBI का बैंक है, एटीएम सेंटर है, और यहाँ आप देख सकते हैं दो दो मशीन्स लगी हुई हैं लेकिन दोनों पे लिखा हुआ है कैश समाप्त है। 4 दिन हो गए हैं यहाँ पर पैसे जमा नहीं हुए हैं, लोग यहाँ पर परेशान हैं। पैसे निकाल पाए हैं आप यहाँ से? नहीं सर, बहुत परेशानी हो रही है। सर ATM में पैसा ही नहीं है सर, 3-4 आप 4 दिन कह रहे हैं, हम लोग 1 हफ्ता से करीब करीब वही स्थिति है यहाँ पर। काम क्या था आपको? पैसा निकाल करके हमको बैंक में जमा करना था, दूसरे अपने दूसरे अकाउंट में किसी परिजन को देना था, तो वो पैसा हम दे नहीं पा रहे हैं उनको, 3000 रुपये पैसा निकालना था। तो देख सकते हैं पैसे की ज़रूरत है, और खासकर गर्मी इतनी पड़ रही है, ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, एक ATM से दूसरे ATM तक चक्कर लगाना पड़ रहा है, और अगर आप खुश नसीब हो तो किसी ATM में आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तकरीबन बिहार की पूरी बात करें तो 50% बैंक ATM में कैश की किल्लत है। हमारे साथ गोपी भी हैं। गोपी, क्या स्थिति है, किस तरह की खबरें आ रही हैं गुजरात से? जी बिल्कुल सईद, आपको बता दें कि गुजरात के अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर आपको 50% ATM मिलेंगे जहां पे पैसे हैं, लेकिन अगर गांव की ये बात करें तो गांव के अंदर बिल्कुल पैसे नहीं है। गांव के जो ATM है वो पूरी तरीके से खाली है, वहां पे 10 ATM में अगर घूम मिलते हैं। इस वक्त हम मौजूद है बैंक ऑफ इंडिया के ATM में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि दिस ATM इज आउट ऑफ सर्विस। दरअसल यहाँ कैश नहीं है और कैश की किल्लत लोगों को भुगतनी पड़ रही है। लोगों को नोटबंदी का जो वक्त था वो याद आ गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताए कितने ATM घूम के आप यहाँ पे पहुंचे? तकरीबन मैं 1 घंटे से घूम रहा हूँ और 6-7 ATM में जा चुका हूँ, लेकिन अभी तक किसी ATM में से मुझे पैसा मिला नहीं है। तो मेरी गुजारिश है बैंक प्रशासन से कि जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकाले और आम जनता को इसकी हालांकि ना भुगतनी पड़े। ये मेरी गोपी आपके पास लौटेंगे। गोपी घांगर हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ बनी हुई है, साथ ही रोहित सिंह भी हमारे साथ पटना से हैं। लेकिन कैश की किल्लत का सच कुछ और जगहों का क्या है, दिखाएंगे। तो देश के कई राज्यों में नकदी का संकट है, ATM में कैश नहीं है। किन किन राज्यों में यह संकट गहरा रहा है, हम आपको इन 6 तस्वीरों में दिखा रहे हैं। पटना, बेगूसराय, सूरत, पाटन, जूनागढ़ और महीसागर, ये तमाम वो जगह हैं गुजरात और बिहार की जहां पर ATM में कैश नहीं। तो नकदी के संकट की खबर लखनऊ से भी आई, वहां का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। कई लोग हैं जो कि पैसे निकालने आए हैं लेकिन यहां पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। आप लोग आए थे क्या? जी हम आए थे। HDFC खराब पड़ा है सर, कल भी आते यूनियन नहीं मिला हमें, आज भी इसका पता नहीं चल रहा है। बार बार कह रहा कि ओ सॉरी, अब इसमें अभी भी नहीं है पैसा, इसमें कह रहा है नकदी नहीं, पर्ची सामने मिल गई साली। आप अंदर से कर पैसा मिला? जी पैसा तो मिला लेकिन फिर टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस बता रहा है PNB ATM। जी यहाँ पे 4 ATM है, आप लोगों को कहीं पैसे मिले या कैश का प्रॉब्लम आ रहा? नहीं, कैश नहीं मिला, 4 ATM है, 4 में से किसी में नहीं मिला।
अभी आए हैं क्या के? मैं तो रहता हूँ पीछे, यहाँ कभी भी वर्किंग नहीं होता, ये आउट ऑफ सर्विस रहता हर समय और सारी टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस ही बताता है। मैं तो जस्ट बगल में ही होता हूँ, यहाँ यहीं पे रहता हूँ, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस ही रहता है। इधर हाल में कुछ ज़्यादा देखा जा रहा है एटीएम्स में पैसे का नहीं? हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम आ रही है एटीएम में, बहुत ज़्यादा, इस वाले में तो बहुत ज़्यादा ही आती, बल्कि सारे में ही, इतने सारे एटीएम है तब भी लोग अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, यहाँ पे आते हैं फिर यहाँ से चले जाते हैं। आप लोग कई जगह आए या एक ही में आके मिला है? नहीं, कई जगह गए सर, लेकिन अक्सर एटीएम में पैसे नहीं डाल रहे हैं जी, ये प्रॉब्लम इधर ज़्यादा हो गई है सर। कैश क्रंच? जी जी जी, लगभग एक हफ्ते से प्रॉब्लम है, एक हफ्ते से किसी भी एटीएम में जाइए, किसी में आउट ऑफ सर्विस, किसी में पैसा नहीं है, बस ये बताता हूँ। एक और एक ग्यारह में अभी के लिए बस इतना ही, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी हमारी साथी नेहा, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।